हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। दिस इज पूजा शर्मा हेयर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 20 ऑनवर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 है भाई अपना, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट एक्स माइनस 3 बाई एक्स माइनस 1 होल क्यूब इज टू पावर एक्स डी एक्स। देखिए, ईज टू पावर एक्स के साथ एक आइडेंटिटी मैं आपको हर लेक्चर में बता चुकी हूँ, बार बार बता रही हूँ कि अगर ईज टू पावर एक्स के साथ हमारा ऐसा आता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, गॉट इट, तो ये डायरेक्ट जो इंटीग्रल है हमारा ये क्या बन जाएगा, ये ईज टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी बन जाएगा। स्टूडेंट्स क्लियर? तो अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि एफ एक्स कौन सा है और एफ डैश एक्स कौन सा है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में तो हमें कहीं भी दो सेपरेट टर्म्स दिख ही नहीं रही हैं। भाई दिख नहीं रही हैं तो कोई बात नहीं, हम इसमें सेपरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? नीचे हमारा x माइनस 1 है और ऊपर हमारा x माइनस 3 है। तो हम क्या करते हैं, i इज इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल क्यूब ईज टू पावर x था भाई ये यहाँ पर डी एक्स। इसे मैं क्या करती हूँ कि x माइनस 3 को मैं x माइनस 1 माइनस 2 लिख लूँ, रॉन्ग नहीं होगा ये भाई, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा और इसके साथ अपना आ जाएगा भाई ईज टू पावर x एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल क्यूब डी एक्स, गॉट इट। ये हमने क्यों किया, अब हम इसको यहाँ फिर से सेपरेट करते हैं। ये देखिए x माइनस 1 के नीचे भी x माइनस 1 का क्यूब लिखते हैं हम, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल क्यूब सेपरेट कर रहे हैं हम, इसके नीचे ये टर्म माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल क्यूब, ये टू पार्ट्स में हमने सेपरेट कर दिया इंटू ई इज टू पावर x डी एक्स। क्लियर? x माइनस 1 से जब क्यूब कैंसिल होगा तो ये यहाँ पर स्क्वेयर रह जाएगा और ये टर्म हो जाएगी भाई 1 बाय x माइनस 1 होल स्क्वेयर माइनस 2 बाय x माइनस 1 होल क्यूब इज टू पावर x डी एक्स। अब अगर हमें डिफ्रेंशिएशन अच्छे से आती है तो वी कैन सी कि इस टर्म का डेरिवेटिव ये बनेगा। हम इसे करके दिखा देते हैं कि लेट इसे हम एफ एक्स ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय x माइनस 1 स्क्वेयर, यानी कि जब ये टर्म न्यूमरेटर में जाएगी तो पावर हो जाएगी माइनस 2, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ओके विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा f डैश x। देखिए ये पावर है माइनस में, आगे आ जाएगी इसकी पावर 1 कम हो जाएगी और x का 1, तो ये देखिए क्या बनेगा माइनस 2, ये पावर माइनस 3 बनेगी जिसे हम पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो ये बनेगा x माइनस 1 की पावर प्लस 3, यानी कि सेम यही टर्म ये एफ डैश एक्स बन गया। देखिए ना माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 क्यूब और ये एफ एक्स बन गया। तो हम फर्स्ट को कैसे लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट या और वी कैन राइट इक्वेशन नंबर 1 एज, तो ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू इस टर्म को हमने एफ एक्स माना और ये टर्म माइनस में ऑलरेडी है तो प्लस का लग जाएगा एफ डैश एक्स, ये यहाँ ये वाले ब्रैकेट लगाएं और ईज टू पावर एक्स डी एक्स, और इसका इंटेग्रल डायरेक्ट क्या बनता है, ईज टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। लास्ट वीडियोज में मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि आप चाहें तो इसे इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर इसके साथ ये टर्म एक बनेगा इंटेग्रल, एक दूसरा सेकंड बनेगा, तो एक को इंटीग्रेट करना है दूसरे को नहीं करना है, तो ये डायरेक्ट अब क्या बन जाएगा ईज टू पावर एक्स, और एफ एक्स हमने किसको लिया है भाई 1 बाय एक्स माइनस 1 होल स्क्वेयर प्लस सी, तो ये अपना आंसर आ जाएगा ईज टू पावर एक्स बाय एक्स माइनस 1 होल स्क्वेयर प्लस सी। तो स्टूडेंट्स ये था अपना क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 7.6। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 जिसकी स्टेटमेंट है आई इज इक्वल टू ईज टू पावर 2x साइन एक्स डी एक्स, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन लेंगे और इसे हम आइलेट वाली आइडेंटिटी से अपना इंटीग्रेट करेंगे, तो ये बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन
ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज साइन एक्स, अगेन इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो ये टर्म इस इंटेग्रल के साइन के अंडर आएगी उसकी कंप्लीट की फिर से इंटेग्रल हमने करना है। तो इसको एक्सपेंड कर लीजिए, ये बनेगा साइन एक्स ईज टू पावर टू एक्स का क्या बनेगा, इंटेग्रल ईज टू पावर टू एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बनेगी भाई कॉस एक्स, और ये बन जाएगा ईज टू पावर टू एक्स बाय टू फिर से डी एक्स आ जाएगा। वन बाय टू को आप बाहर ले लीजिए तो ये फर्स्ट टर्म तो हो जाएगी ईज टू पावर टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स टू और माइनस वन बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स ईज टू पावर टू एक्स डी एक्स, फिर से ये इंटेग्रल आ गया है। हम इसे फिर से इंटीग्रेट करेंगे, आई इज इक्वल टू ये टर्म एज इट इज ईज टू पावर टू एक्स साइन एक्स बाय टू माइनस वन बाय टू, और यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए ताकि ये वन बाय टू और माइनस के साइन से हमें कुछ मिस्टेक ना हो, कुछ गड़बड़ ना हो। फिर से वही ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, अब मैं डायरेक्ट करूंगी सेकंड का इंटेग्रल यानी ईज टू पावर टू एक्स बाय टू माइनस इंटेग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, और कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है माइनस साइन एक्स, और ईज टू पावर टू एक्स का इंटेग्रल क्या होता है ईज टू पावर टू एक्स बाय टू डी एक्स। क्लियर, इसे आप एक्सपेंड कीजिए, खोलिए ईज टू पावर टू एक्स इंटू साइन एक्स बाय टू, ये वन बाय टू और टू दोनों मिलकर हो जाएंगे भाई माइनस वन बाय फोर ईज टू पावर टू एक्स इंटू कॉस एक्स, देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस और टू टू जा फोर वन बाय फोर, और ये आ जाएगा इन दोनों को आगे पीछे कहीं भी लिख लीजिए आप ईज टू पावर टू एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब हम इसको क्या फिर से इंटीग्रेट करें, जी नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान दें तो हम उसी फंक्शन पर पहुंच गए हैं जहां से हमने अपना क्वेश्चन स्टार्ट किया था यानी आई पर। तो हम इसे बार बार ये कभी एंड ही नहीं होगा, एंडलेस प्रोसेस है, तो हम इसे यहाँ आई से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये अपना बन जाएगा आई इज इक्वल टू ई इज टू पावर टू एक्स साइन एक्स बाय टू माइनस ई इज टू पावर टू एक्स कॉस एक्स बाय फोर माइनस वन बाय फोर आई, और प्लस में अब हम कर देंगे सी क्योंकि इंटेग्रल खत्म कर दिया हमने। तो ये जो आई की टर्म है और इधर भी आई की टर्म है दोनों को कलेक्ट कर लीजिए, तो ये बनेगा आई माइनस की टर्म है लेफ्ट में आएगी प्लस वन बाय फोर आई, इन दोनों में से ई की पावर टू एक्स कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा भाई साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय फोर प्लस सी, फोर वन जा फोर प्लस वन क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा फाइव बाय फोर आई इज इक्वल टू ईज टू पावर टू एक्स, यहाँ भी फोर एलसीएम ले लीजिए तो ये अंदर की टर्म हमारी बन जाएगी टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय फोर प्लस सी, फोर से मल्टीप्लाई कर दीजिए कंप्लीट टर्म को, आप इसको सी डैश भी ले सकते हैं यहाँ पर, तो ये उधर जाकर इसको अब इसको सबसे पहले तो क्या कीजिए फोर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये बनेगा फाइव आई और इसको करेंगे तो ये बन जाएगा इज टू पावर टू एक्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस फोर सी डैश, फाइव से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि हमें आई की वैल्यू निकालनी है। देखिए हमारा क्वेश्चन ये है भाई, आई का मतलब इज टू पावर टू एक्स साइन एक्स का इंटेग्रल, तो ये फाइव एक्स्ट्रा इसको लेफ्ट में राइट में ले आए e is to power 2x by 5 into 2 sin x minus cos x, और ये 5 यहां भी आएगा। इस पूरी कॉन्स्टेंट टर्म को अब आप c नाम दे दीजिए तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा i is equal to e is to power 2x by 5 into 2 sin x minus cos x plus c। तो ये था भाई अपना क्वेश्चन नंबर 21, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको इसी तरीके से करने पड़ेंगे। अभी हमारे तीन छोटे छोटे क्वेश्चन और रह जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22, आई इज इक्वल टू देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन इंटीग्रेट साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। आपको अगर एक आइडेंटिटी याद हो साइन टू थीटा मैंने स्टार्टिंग में बताई थी तो वो होती है टू टेंजेंट थीटा बाय वन प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, और ये
अंदर वाली टर्म का नेचर इससे बहुत मिलता है। अगर हम यहाँ एक्स की जगह टेंजेंट पुट कर देते हैं तो ये टर्म बनती है, और इस टर्म के प्लेस पर हम साइन टू थीटा लिख देते हैं तो इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये हमारी आइडेंटिटी होती है, दिस इज इक्वल टू थीटा, अगर थीटा -90 से 90 के बीच है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। क्लियर, जब आप एक्स को टेंजेंट थीटा रखेंगे तो जो डी एक्स है आपका, डेरिवेटिव है आपका, वो क्या बनेगा, सीकेंट स्केयर थीटा डी थीटा। तो अब हम आई पर आ जाते हैं। देखिए जब भी आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको ये जो विद रिस्पेक्ट टू आप इंटीग्रेट कर रहे हैं ये भी चेंज हो जाता है। जब ये पूरी टर्म थीटा में चेंज होगी तो डी एक्स भी डी थीटा में चेंज होगा। तो ये बनेगा साइन इनवर्स टू टेंजेंट थीटा बाय वन प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, और डी एक्स के प्लेस पर स्टूडेंट्स आ जाएगा सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा। गॉट इट। अब ये जो अंदर की टर्म है, ये अभी हमारा फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये है साइन टू थीटा और सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और आपका जो इंटेग्रल है वो ये बन जाएगा टू थीटा मल्टीप्लाइड बाय सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा, जिसमें से हम 2 को फिर से कॉमन ले लेते हैं और ये हमारा बनेगा थीटा इंटू सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा। अभी आप इसे एक्स में कन्वर्ट ना करें, ये अपना एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और आइलेट के अकॉर्डिंग हम एल्जेब्रिक को फर्स्ट लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन लेकर इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2, ब्रैकेट लगा लीजिए, लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया है ब्रैकेट लगा लें, क्योंकि ये 2 अंदर की दोनों टर्म्स के साथ आएगा, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे ये एक ही टर्म के साथ रह जाएगा और आपका आंसर रोंग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो थीटा में करना है इसको, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और कंप्लीट डी थीटा, और ये वाले ब्रैकेट यहाँ बंद हो जाएगी। हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह के। तो सीकेंट स्क्वेयर का जो इंटेग्रल होता है भाई वो क्या होता है, टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वेयर होता है, और विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, एक्स को एक्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 आता है, और ये अपना क्या बन गया अभी, टेंजेंट थीटा डी थीटा, ठीक है भाई, और ये अपना बन जाएगा 2 थीटा टेंजेंट थीटा, एंड ओनली टेंजेंट थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस लॉग कॉस थीटा, और प्लस में सी आ जाएगा। क्लियर, प्लस में अपना सी आ जाएगा। अब इसे कर लीजिए 2 इंटू थीटा मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट थीटा प्लस लॉग मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा प्लस में सी। अब ये जो जो थीटाज हैं इन सब को अब हमें एक्स में कन्वर्ट करना है, तो ये देखिए नाउ यहीं कर लीजिए, बिकॉज एक्स क्या है हमारा, टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा की जगह तो एक्स आ जाएगा, और थीटा क्या बन जाएगा, टेंजेंट इधर आके क्या बन जाता है भाई, टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये सब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में डिटेल कर चुके हैं इसकी। एंड व्हाट अबाउट कॉस, तो भाई टेंजेंट से कॉस पर तो नहीं पहुंचा जाता, लेकिन टेंजेंट से हम सीकेंट पर पहुंच सकते हैं। वी नो वट कि सीकेंट स्क्वेयर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो अंडर रूट करिएगा तो सीकेंट थीटा क्या बनेगा भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट, और कॉस थीटा क्या होता है, 1 बाय सेक थीटा, ये बन जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट। तो ये कॉस की वैल्यू, ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू और ये थीटा की वैल्यू, इन सब को आप यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो जो आपका आई बनेगा वो क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू 2 इंटू टेंजेंट थीटा की जगह एक्स और थीटा की जगह आ जाएगा आपका टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस लॉग इंटू कॉस थीटा की जगह आ जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट प्लस में सी।
ये था अपना भाई क्वेश्चन नंबर 22 स्टूडेंट्स, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ किया, जिसमें हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी यूज़ किया है. गॉट इट? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 23. ये है भाई अपना आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ई इज टू पावर एक्स क्यूब डी एफ. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये अपना. एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वेयर होती है, तो बहुत ही मैं कहूँगी कि ये वर्बल सही क्वेश्चन है, ओरली हम कर सकते हैं. एक्स क्यूब को टी पुट कीजिए, जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x² dx dt बन जाएगा, x² dx dt बाय 3 हो जाएगा. तो i को मैं रीराइट कर सकती हूँ कि e इज टू पावर एक्स क्यूब को मैं आगे ले लूँ और x² dx को मैं पीछे ले जाऊँ, तो ये जो एक्स क्यूब है इसकी जगह पर t आ जाएगा और x² dx की जगह dt बाय 3 आ जाएगा. कॉन्स्टेंट को बाहर ले लीजिए, 1/3 इज टू पावर टी डी टी, और इज टू पावर टी का इंटेग्रल इज टू पावर टी बाय 3+c, एंड टी को आप फिर से एक्स क्यूब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये बन जाएगा ई इज टू पावर एक्स क्यूब बाय 3+c. बहुत इजी क्वेश्चन है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.6. तो I इज इक्वल टू e इज टू पावर x secant x इंटू 1+tan x dx. देखिए इस कंप्लीट एक्सरसाइज में हम e इज टू पावर x के कई क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो मैं इसे अब डायरेक्ट बता रही हूँ. ओपन करती हूँ मैं ब्रैकेट को, e की पावर x को मैं बाहर रहने दूंगी, secant को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे secant x, और secant को tangent से मल्टीप्लाई करेंगे तो secant x tangent x dx. ये एक ही नंबर का क्वेश्चन है. हमें पता है कि सीकेंट की जो डिफरेंशिएशन होती है वो क्या होती है, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स. बट डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स क्या होता है, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स. तो ये अपना एफ एक्स हो गया, ये अपना एफ डैश एक्स हो गया, तो डायरेक्ट इंटीग्रल क्या बन जाएगा, इज टू पावर एक्स सीकेंट एक्स प्लस सी. तो स्टूडेंट्स ये थी अपनी एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट. अगर आपको अभी भी इस एक्सरसाइज में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, या इस एक्सरसाइज तक पूरे चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू स्टूडेंट्स.